नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ, आज हम सभी जानते हैं फेस को अपने ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं। वैसे तो निहायत ही सत्य बात है कि आप स्किन को गोरा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो कलर हमें दिया है वो प्यारा कलर है। बस हमें करना क्या होता है कि अपने स्किन की केयर अच्छे से अगर हम करते हैं, इसका सही ख्याल रखते हैं और अपना खान पान सही रखते हैं, दिनचर्या हमारी सही होती है, पोल्यूशन से बचे रहते हैं, तो हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। और जब ग्लोइंग स्किन होती है तो चाहे बहुत गोरी कलर ना हो स्किन की, लेकिन बेहद खूबसूरत लगती है। और हम अगर गोरे ही हों और हमारी स्किन डस्ट से भरी हुई, मुहांसे निकले हुए हों यानी कि पिंपल्स निकले हुए हों, झाइयाँ आई हुई हों, तो वो चेहरा खिला खिला हुआ नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, भद्दा लगता है, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आइए आज हम सभी कुछ एक ऐसे देशी औषधियों के बारे में जानेंगे जिनके सहयोग से आप अपने फेस को हेल्दी रूप से ग्लोइंग बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं चेहरे को। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं जो कि आपके फेस को गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स इतने महंगे होते हैं, जो उच्च क्वालिटी के होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो आपके अफोर्डेबल है वो इतना कारगर नहीं साबित होता है। और इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आपके फेस को सूट नहीं किया तो वो रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका फेस और ख़राब हो जाता है। इसीलिए देशी औषधियों को अगर आप यूज करते हैं तो वक्त तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको नेचुरल रूप से ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। आइए आज हम बताते हैं आपको कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लीजिए और दूध लाइए, इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल लीजिए। अब कैसे प्रयोग करना है ये जानिए। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अपने लगभग मैक्सिमम वीडियोस में जो कि स्किन से रिलेटेड होता है। अपने किसी भी पॉट में पानी बॉयल कीजिए, पानी गर्म होने के बाद उसमें तौलिया डालिए, तौलिए को निकाल करके निचोड़िए, उसमें से उष्मा आ रही होगी यानी कि भाप आ रहा होगा, उस तौलिए को फेस पर डाल लीजिए, कुछ देर ढके रहने दीजिए। कुछ देर फेस ढके रहने के बाद स्वेट हो जाएगा यानी कि आपके रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाएंगे। इसके बाद करना क्या है, आपने जो मुल्तानी मिट्टी भिगो रखी है उसमें 2 से 4 चम्मच दूध डालना है, या फिर जैसा भी पेस्ट आपका तैयार हुआ हो 1 चम्मच दूध डाल लीजिए उसमें। कच्चा दूध, ध्यान रखें उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, 2-4 बूंदे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑलिव ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद क्या करना है, इस पेस्ट को आपको अपने पूरे फेस पर आसानी से सॉफ्ट हैंड से लगा लेना है और फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें अच्छे से। वॉश करने के बाद अगर आपका फेस ड्राई सा फील हो रहा है तो हल्का सा ऑयल कोई लेकर के पहले हाथों में उसको मल के पूरे फेस पर लगा दीजिए, आराम से सो जाइए। खास करके ये प्रयोग क्यों हम कह रहे हैं सो जाइए, क्योंकि शाम को कीजिए, क्योंकि रात में पूरी रात आपके फेस को वक्त मिलता है, डस्ट से बचा रहता है। सुबह आप ये प्रयोग करते हैं फिर बाहर निकलेंगे डस्ट पड़ जाती है फेस पे, इसलिए अगर आप रात को करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे की झाइयाँ, पिंपल्स और सन टैनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। हाँ, जाते जाते एक बात और भूल गया मैं, अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना है तो पानी जरूर पिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो जितनी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को उतना पानी नहीं पीते हैं, तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी हर रोज़ आप पीजिए, यानी कि हर 30 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक गिलास पानी आप पी लीजिए, जिससे कि आपका शरीर जो है ग्लोइंग रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।